तो करप्शन करने वालों पे। हम पिछले दो साल से डीसी के दरवाजे पर जाते रहे कि हमारे मुलाजमीन, जिसमें असाज़ा कराम भी हैं, जिसमें छोटे मुलाजमीन भी हैं, जिसमें स्कूल के चपरासी भी हैं, इसमें जिसमें दफ्तरों के चपरासी भी हैं, जिसमें टाउन कमेटी का अमला भी है जो गंदगिश में इनके साथ था, किसी को आज तक किसी मुलाजिम को पूरे डिस्ट्रिक्ट शेल्टर बेचे जा रहे हैं। अभी सुनीद में आया कि हाउस लास का, हाउस लासेज के वतन कार्ड में नाम काटा गया, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस करप्ट डीसी और उसके चंद जो चमचे डीसी ऑफिस में बैठे हुए हैं उन पर आयद होगी कि इंशाल्लाह हर जदोजहद में हम आपके साथ हैं। हमने देखा कि नाइंसाफी हो रही है और हमने चंद लोगों को बुला करके हमने जो है एहतियात किया है, अगर जब तक मसाला नहीं होंगे तो हम इंशाल्लाह दूर नहीं होंगे। तमाम मुलाजिमीन इत्तेहाद के दोस्तों, आज आप जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब का मकसद है, ये हम सब का मुतालबा है, ये हम सब का डिमांड है, अब करके रखा हुआ है और अभी उन्हें कुछ देने का नियत भी नहीं है। मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ, आप अपना इत्तेहाद बरकरार रखें और ये आपके सामने कुछ नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह जो आपका हक है आप ही को मिलेगा। नुमाइंदे गली कोचों में घूम रहे हैं, 20 से 30 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं शेल्टर के लिए, और अब उनके नुमाइंदों ने ये वो बड़े वाले जो खिश्त होते हैं वो इस्तेमाल होंगे, तो उनके रेट्स भी इस तरह वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो अपने हकूक की जंग लड़ता है, अपने साथियों के साथ है, उसमें जज्बा है खिदमत खलक का, तो फिर हम आपके इस एसी से हमारा वो चपरासी अच्छा है जो ईमानदार है।